आप में से कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल 2022 की जो पोस्ट प्रेफरेंस की फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आया है उसमें आप लोग कुछ लोग स्किप करें उसको भरने के लिए, बट उसमें कुछ लोगों के अभी जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि उनके लॉगिन ही नहीं हो पा रहे, तो इंस्टेंट मुझे दो सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं जो मैंने पता किया। वो ये है कि सबसे पहला चीज़ आप कोशिश करो कि आप रात को 3 से 5 के बीच में लॉगिन करके फिर अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालने की कोशिश करो जिनको है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक साथ 3-4 ब्राउज़र ओपन कर लो अपने लैपटॉप में और एक साथ ही आप लॉगिन करने की कोशिश करो इंस्टेंटली। एक में किया फिर दूसरे ब्राउज़र पे गया उस पे किया फिर तीसरे पे गया उस पे किया फिर चौथे पे उस पे गया, अगर इनमें से किसी एक में भी आपकी लॉगिन हो जाती है तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फिर सबमिट हो जाएगी। फिलहाल यही सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, अभी आप जाके एसएससी को मेल नहीं कर सकते क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो फिर अभी रेट एक्सटेंड करने वाले हैं या कुछ ऐसा वो करेंगे। तो आप ये दोनों ऑप्शन एक बार ट्राई करके देख लो, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता देना अगर आपके पास कोई और भी ऑप्शन है तो। चलिए बात करते हैं कि किनको एसएससी सीजीएल 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस को छोड़ देना चाहिए, स्किप करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू, सीएचएसएल 2021 के थ्रू, आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू, या फिर और किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन के थ्रू, या फिर किसी और दूसरे सेक्टर में लाइक बैंक एग्जाम्स में या कहीं पे, और आपको मालूम है कि आप अपने ड्रीम जॉब तक सिर्फ आपको ड्रीम जॉब तक पहुंचना था और आप वहां तक पहुंच चुके हो, तो अब आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बहुत कंफ्यूजिंग है अभी राइट नाउ कि यू डोंट नो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस टाइप की होगी, मतलब 1.3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर उतने ही कैंडिडेट को भेजा जाएगा जितना की रिक्वायरमेंट है। अभी इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपने अभी पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया और आप फिर सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हाँ मेरे को सीट मिलती है कि नहीं मिलती है, और बाद में जाके आप बोलोगे कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट वेस्ट नहीं होगी, तो इस बारे में कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है। तो इससे बेटर रहेगा कि आप अभी ही छोड़ दो उस सीट को, उस पोस्ट प्रेफरेंस को फिलअप मत करो अगर आप वो जॉब ज्वाइन नहीं करने वाले हो। इससे एक बेनिफिट होगा कि जिनके घर में चूल्हा जलने वाला है वो रुकेगा नहीं आपके वजह से, उनको एक सीट मिल जाएगी, एक ज़रूरतमंद को एक सीट मिल जाएगी, एक ज़रूरतमंद एस्पिरेंट को सीट मिल जाएगी जिनसे कि उनके परिवार का भला हो जाएगा। तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रख के ज़रूर करना। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी लोअर पोस्ट पे हैं वो अपर पोस्ट चाहते हैं, जैसे मान लो वो 2800 ग्रेड पे है, कोई 2400 ग्रेड पे है, कोई उससे भी नीचे में है, तो अगर वो चाहते हैं कि उनको 4200 ग्रेड पे की जॉब चाहिए, 4600 ग्रेड पे की जॉब चाहिए, तो वो उसमें फिलअप कर दें पोस्ट प्रेफरेंस में, बट नीचे वाले पोस्ट को ना डालें अपने पोस्ट प्रेफरेंस में, क्योंकि अगर आप उसको डालते हो और आपका नंबर कितना भी हो, अगर आपको जॉब एक बार मिल जाती है तो फिर इसका मतलब हो सकता है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो ज़्यादा कैंडिडेट्स की जो कि चांसेस हैं, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो सीट फिर वेस्ट चली जाएगी क्योंकि आप फिर ज्वाइन तो करोगे नहीं। तो आप दूसरे के बारे में थोड़ा सा सोच लेना माइन्यूटली, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है, सीट वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हमें कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा ज़्यादा सीट का इस्तेमाल हो सके, क्योंकि एसएससी अभी वेटिंग लिस्ट लेके आई भी नहीं है और इन रिसेंट टाइम्स लगता नहीं है कि लेके आने वाली भी है। तो ये हमारी एज अ कैंडिडेट, हमारी एज अ मेंटर जिम्मेदारी है कि हम इसकी अवेयरनेस फैलाएँ जितनी ज़्यादा हो सके। आप लोग भी इस वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करो लोगों के साथ ताकि उनके ये चीज़ का अवेयरनेस थोड़ा बढ़े। एक और चीज़ है, कुछ लोग भले ही 2400 ग्रेड पे, 2600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे या किसी भी ग्रेड पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी जॉब लोकेशन को चेंज करना है और वो एक प्रॉपर जॉब लोकेशन चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि सीजीएल 22 के थ्रू ऐसा पोस्ट डालें कि उनको जॉब लोकेशन मिल जाए उनके घर के पास में अगर वो चाहते हैं तो। तो इनके लिए मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ फॉर्म फिलअप करो, पोस्ट प्रेफरेंस डालो, क्योंकि ये आपका हक है, क्योंकि उस सीट पे सबसे पहला अधिकार आपका है, आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं हर एस्पेक्ट्स में, चाहे वो 390 आउट ऑफ जो मार्क्स आ रहे हैं वो हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर के मार्क्स हो, चाहे वो टाइपिंग के मार्क्स हो, क्योंकि आप सभी में क्वालिफाई करोगे अच्छे मार्क्स से तभी आपको सीट मिलेगी। तो पहला अधिकार तो आप ही का है, अगर आप अपने जॉब लोकेशन को चेंज करना चाहते हो उसके बेसिस पे, तो आप प्लीज़ उसको कर लो, उसमें फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन बस हमारा यही कहना है कि सीट वेस्ट ना हो, किसी की भी सीट वेस्ट ना जाए, एक भी सीट अगर वेस्ट गई तो आप समझ जाओ कि जिस बंदे को सीट मिलने वाली थी उसकी लाइफ के 3 साल फिर पीछे हो गया, वो बंदा फिर आगे 3 साल नहीं जा पाएगा, उसकी लाइफ 3 साल पीछे हो जाएगी, क्योंकि आगे फिर प्रोसेस होते होते बहुत लंबा टाइम चला जाता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ध्यान में रखो। इसी पे मैं ये वीडियो क्रिएट करूँगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी
हेल्पफुल लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि छोटे क्रिएटर जैसे मेरे को सपोर्ट कर सकते हो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और उस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके, ताकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट अच्छे वीडियोज़ आते रहें। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।